अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ्फार, अपने YouTube चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता है। और अच्छी बात यह है, क्रिकेट हो रही है तो डिस्कशन भी होंगे, और जो क्रिकेट नहीं हो रही ना आगे, और जो हमें ACC ने बुरी खबर सुनाई, अभी ICC कुछ दिनों में सुनाने वाला है, तो उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत अच्छी कोलीग हैं, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, और जब वीलॉग्स करती हैं तो क्या कमाल करती हैं, और जब इंटरव्यू लेती हैं या अपने डिस्कशन करती हैं तो बहुत मजा आता है। बिस्मा, वन ऑफ माई फेवरेट इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बिस्मा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम गफार, आई शुड बी थैंकिंग यू कि आपने इतना अच्छा, इतना खुश कर देने वाला इंट्रोडक्शन कराया। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बिस्मा, मस्ट भी यार, जो मुझे लगता है कि जैसन होल्डर को विकेट लेता हुआ देखा, फिर हम स्पेक कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड को थोड़ा टफ टाइम दे, टफ टाइम नहीं दिया जनाब, अबाव आए हैं, 100+ लीड ले ली है, बैन बहुत स्टोक्स को अभाव आए हैं, कितना होल्डर वो स्लीपलेस ज्यादा नाइट दी है, नया एक्चुअली कैप्टन है। फायर, मैंने कहा नए कैप्टन को उन्होंने पेंशन बिल्कुल दे मतलब दी है। हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इतने दिन के बाद जब फाइनली हम लोगों ने क्रिकेट देखी दोबारा से, तो हम लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की गेम देखने को मिलेगी। लेकिन व्हाट एन एब्सोल्युटली ग्रेट परफॉर्मेंस बाय जेसन होल्डर, बहुत मजा आया और इतनी खुशी हुई कि फाइनली अब क्रिकेट रिज्यूम हो रही है, नए सेट ऑफ रूल्स भी आ रहे हैं, तो उनको उनके साथ गेम को देखने का एक मतलब नया मजा होगा। सब भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कोप करेंगे, और प्लेयर्स के लिए भी आई थिंक ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो बहुत मजा आया। और मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी इस बात की है कि वेस्ट इंडीज की जो टीम, आज से अगर हम 4-5 साल पहले जाएं, और आपको पता है कि जो वहाँ प्रॉब्लम हुए प्लेयर्स और फिर प्लेयर एसोसिएशन विद द बोर्ड, तो ऐसे में जब जैसन होल्डर को कप्तान बनाया गया था, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, और चाहे वो मेरी गलती क्यों ना हो, मेरी भी ओपिनियन थी, मैं जैसन होल्डर मतलब एक ऐसा प्लेयर जिसको अभी अपने इंटरनेशनल कैरियर को शुरू किए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, और हर कोई ग्रैम स्मिथ नहीं हो सकता कि वो आए और कैप्टनिंग करे और छा जाए, और 2 डबल 100 अच्छे बनाए। से तो सेट कर दे। रेहान ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, रेहानुल हक जो बहुत अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, और ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो GM हैं, उन्होंने होल्डर के मुताबिक बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि पहले 20 मैचेस में बिस्मा 41 रन की बॉलिंग एवरेज, सिर्फ 28 रन की बैटिंग एवरेज, और नेक्स्ट 20 मैचेस में क्या होता है अच्छा, जनाब के 20 रन का उनका बॉलिंग एवरेज जो वर्ल्ड क्लास है, वाह ट्रूली वर्ल्ड क्लास। वाह, बैटिंग एवरेज ऑब्वियसली इंप्रूव हो सकती है, बट 20 रन का बॉलिंग एवरेज यस फ्रॉम हिज फोर्थ मैच ऑनवर्ड, वाह इन द दैट्स नेक्स्ट 20, इन ब्रिलियंट, द लास्ट 20 मैचेस, माइंड ब्लोइंग एवरेज है। और बैटिंग एवरेज उनका अच्छा बिस्मा नाउ अप टू 36.56, जो कि एक ऑलराउंडर के लिए ऑलमोस्ट वेरी बहुत एक्सेप्टेबल। अच्छा है, बहुत तो है, बिस्मा बहुत इसको डिसेंट कहते है, हैं कि आप किस तरह ऑलराउंडर्स को ग्रूम करते हैं, एंड आई थिंक वेस्ट इंडीज क्रिकेट बिल्कुल बोर्ड उनको उस जमाने, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हाँ उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। एंड आई रिमेम्बर, कॉन्फिडेंस की जो बात है ना, जब आप वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस या प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस मतलब इट डजंट रियली जेल टुगेदर। लोगों को लगता है कि इन्होंने प्लेयर्स के साथ, ये प्लेयर्स दो भी मुख्तलिफ दुनिया की आप बातें, सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मतलब इट्स एन ओपन सीक्रेट, उन्होंने आके प्लेटफॉर्म्स यूज करके अपने बोर्ड को ओपनली क्रिटिसाइज किया हुआ है। जिम्बाब्वे में भी एक इंसिडेंट हुआ था जहां से प्लेयर को वापस भेज दिया गया था। बड़े बड़े उनके प्लेयर्स ने काफी बातें कही हैं कि करप्शन एलिगेशंस लगाई हैं, और मतलब कोई काफी डिजर्विंग प्लेयर भी क्यों ना हो, अगर बोर्ड उसको एक्स करना चाहता है तो कुछ भी, दे कैन बी नथिंग स्टॉपिंग देम। लेकिन एक आपके अपने अंदर की भी एक चीज होती है, आई थिंक जेसन होल्डर ने, जैसे आपने बताया, आई मीन मैंने ये फर्स्ट टाइम सुनी है, मैंने रेहान की ट्वीट नहीं पढ़ी थी, लेकिन 20 की एवरेज इज एब्सोल्यूटली क्रेजी, वो भी अगर इंटरनेशनल अरीना पे आपकी ऐसी एवरेज है, तो उन्होंने मतलब अपनी बेस्ट दी। और मैंने नोटिस किया, व्हेनेवर आई हैव सीन जेसन प्लेइंग, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेयर लगते हैं, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, कभी भी आपको ऐसे नहीं लगता। इवन व्हेन यू टॉक अबाउट हिज कैप्टनसी, आई नो बहुत सारे लोग इस चीज को बार बार इस पे आर्ग्यू करते हैं कि व्हाई वुड दे मेक समवन लाइक जेसन होल्डर द कैप्टन, जब ये अनाउंस हुआ था तो काफी सारे लोग इसको डाउट कर रहे थे। आपने बताया आप भी उन लोगों में से एक थे, तो लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि लग नहीं रहा था कि उन पर किसी किस्म का मतलब एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर, ही केम इन विद अ वेरी क्लियर माइंड, उनको एग्जैक्टली पता है कि उनकी क्या अप्रोच होनी है, किसको लेकर आना है। ऐसे जब वो बॉलिंग कराने भी आ रहे होते हैं, एक तो उनका मतलब है ना भी ऐसा है, ऊपर वेरी से टॉल, पता नहीं कहाँ से इतने बॉल लाते हैं, बुर्ज ही सुपर टॉल है गफार, खलीफा मैंने आपने भी देखा होगा उनको, मतलब एक एग्जैक्टली, मिनट के लिए इंसान कहते हैं ओके यहाँ से आएगी बॉल मोस्ट ऑफ द वेस्ट तो। इंडीज फास्ट बॉलर। मैंने बट जब पहले, मुझे याद है मैंने इयान बिशप को मिला था, आई थिंक एक वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी लास्ट, जब कराची में आए थे, तो आई वाज लुकिंग बिशप जी लाइक जी दिस। मैं खुद भी कुछ बहुत ज्यादा टॉल नहीं हूँ, तो मेरी बहुत हाँ नॉर्मल हाइट है, तो आई वाज लाइक दिस।
कि यार ये वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर हम लोगों की हाइट बस एवरेज है, हम लोगों की ठीक हाइट है, ये बहुत लंबे हैं और माशाल्लाह इनकी बिल्ड भी ऐसी है कि हाँ दो मिनट के लिए देख के परेशान। अच्छा जैसन होल्डर की मैं आपको बात बताऊं, व्हाट गुड स्पेल ऑफ बॉलिंग, वंडरफुल, बहुत मजा आया। उन्होंने मुझे लगता है कि अगर आपको याद हो बिस्मा, मे बी आई एम करेक्ट मे बी आई एम रॉन्ग, के क्लाइव लाइट उस जमाने में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की किसी अहम पोजीशन पे थे और उन्होंने जैसन होल्डर को बड़ा बैक किया था ना। हैट्स ऑफ टू एवरीवन जिन्होंने उस जमाने में जैसन होल्डर को ट्रस्ट किया और उस डिजास्टर उसको रिकॉग्नाइज किया, बिल्कुल, और उसको बैक किया, एब्सोल्युटली। और कितना मुश्किल है यहाँ पर इस चीज को, यू नो दैट्स व्हाट मैटर्स, कि आप एक टैलेंट को स्पॉट करें और आप उस टैलेंट को बैक करें कॉन्स्टेंटली, उसको मोटिवेट करें, तो वो जो मतलब आप उसको, यू आर पुशिंग हिम टू ब्रिंग द बेस्ट आउट इन हिम। अनलाइक ऐसा, मुझे वो जफर गोहर वाली चीज में यहाँ मेंशन नहीं करना चाह रही, लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा कि मतलब हम कब सीखेंगे। अब लगता है कि काफी कुछ एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें, इस तरह की हरकतें हम अक्सर कर देते हैं कि अफसोस होता है। जहां पे आपको प्लेयर्स को बैक करने की, उनको मजीद कॉन्फिडेंस दिलाने की, उनको इनकरेज करने की कि नो मैटर व्हाट वी विल बी विद यू, आप लोग बस अपनी अच्छी गेम खेलें। आई रियली रेट जफर गोहर क्वाइट हाईली, आई नो आपको मैं डिट्रैक्ट कर रही हूँ, लेकिन ये आपने बैकिंग की और सपोर्ट सिस्टम की बात की तो मुझे लगा कि ये जरा इम्पोर्टेंट है कि वो भी एक अच्छा ऑलराउंडर इन द मेकिंग है। आपको याद होगा पिछले साल, आई थिंक नो बिफोर द वर्ल्ड कप, जब शहादाब की भी थोड़ी सी इंजरी का इशू चल रहा था, तो हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हमारा, आपके शो में इनफैक्ट हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी किया था कि वी रियली डोंट हैव दोज मेनी ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द बेंच, कि अगर हमारा यासिर शाह नहीं है या शहादाब नहीं है तो हमारे पास और कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो एक अच्छी ऑप्शन हो, एक ऑलराउंड ऑप्शन भी हो। शादाब खान कैन ऑल्सो बैट क्वाइट वेल, तो आई सी दैट स्पार्क इन जफर गोहर, तो उनको अब चले ही गए थे, इतने सारे, इतनी अच्छी खासी बड़ी पार्टी गई हुई है, तो उनको वहां पे रह लेने देते, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेने देते, थोड़ा सा सीख लेने देते, मिसबा भाई, यूनुस भाई उसके साथ टाइम स्पेंड करते और मजीद बैटिंग में, आई थिंक इट वुड हैव मेड मोर सेंस। बट कहीं ना कहीं हम उस तरह वो बैकिंग और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकते बींग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जफर गोहर बेचारे तो इधर वो सोते हुए रह गए थे, पता नहीं वो सोते हुए रह गए थे या किसी ने उठाया नहीं, या फ्लाइट मिस हो गई, वो भी उनके साथ हुआ। एंड आई एम एब्सोल्युटली एग्री विद यू बिस्मा, वंडरफुल पॉइंट, वंडरफुल पॉइंट, कि एक प्लेयर जिसने आपको अपनी काउंटी में, वहाँ कमिटमेंट है, बेचारा पहले टेंशन में होगा कि उसको अभी कोविड में घर जाने का पहले मौका नहीं मिला, यंगस्टर है, उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उसने अपनी टीम को आके प्रैक्टिस कराई, उसने अपना टाइम दिया और आपने कहा खुदा हाफिज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बहुत अच्छा। गफार, सबसे जरूरी बात है, चले परेशानियां सबको है, कोविड सिचुएशन है, फाइनेंशियली मेंटली हर हिसाब से हम लोग स्ट्रेस्ड आउट है, लेकिन एक चीज होती है टैलेंट, उस बंदे में टैलेंट भी है, उसका टैलेंट काफी बार काफी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने क्रिकेट के आके मतलब बताया हुआ है, इस चीज को सेकंड किया हुआ है कि ही इज एक्चुअली वेरी टैलेंटेड, इसको थोड़ा सा और टाइम मिलना चाहिए। तो उस पॉइंट में जाके, आई मीन वी डोंट नो कि कुछ शायद टेक्निकलिटीज रही हो, शायद एक लिस्ट पहले गई हुई हो ईसीबी के साथ और किसी और को इंडक्ट कर लेना लास्ट मोमेंट पे पॉसिबल ना, बट जो कुछ भी है इट वॉज अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग। एंड द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ आमिर यामीन, ऑल्सो अ वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड ऑलराउंडर आई वुड से, वेरी प्रॉमिसिंग, अपनी एज की जो एक प्राइम होती है उसमें थे, शायद अभी भी है, लेकिन उस तरह अनफॉर्चुनेटली यूटिलाइज नहीं हो पाए। इनफैक्ट उनसे मेरी एक बार तकरीबन 1.5 साल पहले डिस्कशन चल रही थी, तो वो ये शिकायत कर रहे थे, maybe they don't feel very confident coming out in the open or using social media platforms or channels, quite obviously to express their worry. Ya cricket board ke sath bhi ek wo channel nahi hai jahan pe jaake wo is tarah keh sake, lekin kabhi kabhi wo express karte hain jo players ko lagta hai ki hum deserve karte hain, lekin hame koi bhi hamare dues nahi diye jate, in fact kisi kisam ki lift bhi nahi karai jati, to I think it's a little unfair. Bahut zaruri hota hai players ko constantly back karna, jo deserving players hain उनको बुला के किसी किस्म की मतलब बार बार एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना उनके लिए। और सोचें बिस्मा, और देखने वाले भी, कि अगर बिस्मा जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और जो जफर गोहर के बारे में जानती हैं, अगर वो ये चीज फील कर रही है ना, इमेजिन के जफर गोहर क्या फील कर रहे होंगे। बहरहाल यहाँ बेन स्टोक्स को भी मेंशन करेंगे, वाओ ये ऑलराउंडर्स जो है ना, ये हैं गेम का असल, वो एक सही ऑलराउंडर्स ही है, प्रॉपर ऑलराउंडर, जो इमरान, हेडली, बोथम और कपिल देव के बाद अगर हम देखें तो बहुत बहुत, वैसे टॉप फैबुलस फोर ऑलराउंडर कभी नहीं आए। ऑब्वियसली जिस जमाने में रजाक थे, कैलिस थे, फ्लिंटॉफ थे, लेकिन उसके बाद फिर अगेन एक बहुत बड़ा गैप आया। तो जैसन होल्डर, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात की बेन स्टोक्स का, जब उनसे कंपैरिजन हुआ, उन्होंने कहा मैं भी, आप सही बात कर रहे हो, लेकिन याद रखें कि मैं नंबर वन ऑलराउंडर हूँ,
बेन स्टोक्स मेरे पास आते हैं और ये मजे की बात है कि बेन स्टोक्स ने जनाब टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन एंड 150 विकेट्स लेने वाले वो दुनिया के 1, 2, 3, 4, 5 छठे जो है वो अब ये ऑलराउंडर बने हैं। तो जनाब क्या कमाल उनकी परफॉर्मेंस है, इतनी यंग एज बिल्कुल। गफर, मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड ये है कि आप एक डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में कंट्रीब्यूट कर सके। तो अगर आप अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विद द बैट एंड यू कैन डू समथिंग विद द बॉल आल्सो और वाइस वर्सा, अगर आप बॉल से कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ बैट से भी रन चिप इन करते हैं, तो आई थिंक आइडियल सिनेरियो रहेगा, किसी भी कॉम्बिनेशन में आपकी अच्छे से जगह बन पाएगी। इंडिया में भी, इंडिया के भी कुछ, रवि जडेजा इज वन पर्सन दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, वो मुझे उनकी मतलब आई थिंक ही इज अ गुड ऑलराउंडर और हार्दिक पांड्या इज अ कॉम्पिटिटिव, वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी कॉम्पिटिटिव। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हमारे पास भी कुछ अच्छे ऑलराउंडर्स हैं लेकिन हमें काफी रिलायबल ऑलराउंडर्स चाहिए जो जब जरूरत हो तो दे कैन स्टेप अप एंड मेक पाकिस्तान विन गेम्स इवन इफ इट मींस विनिंग इट सिंगल हैंडेडली। और देखें जेसन होल्डर ना सिर्फ एज अ कैप्टन बल्कि अगर हम टेक्निकली स्पीकिंग बात करें तो एक ऑलराउंडर जो 5-6 विकेट ले सकता हो, 36 रन की एवरेज हो, वो जो आपका बैलेंस क्रिएट करता है ना कि आपके अगर टॉप 5 बहुत मजे का बैलेंस क्रिएट करते हैं, रन्स होते हैं आपके बॉलर्स ना विकेट ले सके तो जेसन कैन स्टेप इन। और बिल्कुल आखिर में क्विकली अगर बात करें 103 रन बल्कि 100 रन से ज्यादा की लीड ले ली है ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज ने और 318 रन किए। यही यूनुस खान कह रहे हैं कि हमें 300 रन करने पड़ेंगे इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज ने करके दिखा दिया जनाब। और यू थिंक इंग्लैंड कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वेस्ट इंडीज 100 रन की लीड लेके भी दे कैन स्लीप वेल। I think they should be aware के देखिए इंग्लैंड के पास एक तो होम ग्राउंड एडवांटेज भी है, इंग्लैंड का अपना बैटिंग लाइनअप भी काफी तगड़ा है, होम ग्राउंड एडवांटेज भी है उनको काफी ज्यादा, तो मतलब इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आई स्टिल फील इंग्लैंड कैन वेरी मच कम बैक इन द गेम एंड दे कैन स्टिल टेक इट अवे फ्रॉम वेस्ट इंडीज। एंड इंग्लैंड का भी क्या बैटिंग लाइनअप है, मतलब कुछ टेस्ट में तो खैर बदमीर राजा ने बड़ी अच्छी बात बोली कि यार अगर आपको मैं बोलूंगा इस वाली जो टेस्ट टीम खेली है इनकी उसकी बैटिंग लाइन लिखे तो जो बर्न्स मुझे पता है, सिबलेट भी थोड़ा बहुत, लेकिन बेन स्टोक्स के बाद फिर ऑब्वियसली क्रॉल है। लेकिन मुझे लगता है ये मेरी प्रेडिक्शन है और माइट बी इट्स अ करेक्ट वन, आपकी प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट होती है गफार। अब अगर किसी ने कुछ प्रेडिक्शंस लेनी हो तो आई थिंक यू द बेस्ट पर्सन। ओके, माय प्रेडिक्शन फॉर दिस टेस्ट, माय प्रेडिक्शन फॉर दिस टेस्ट कि इंग्लैंड यस मे बी स्ट्रगलिंग लेटर ऑन बट 100 रन की लीड कंसीड करने के बाद आई थिंक जोस बटलर और बेन स्टोक्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। और इन दोनों ने अगर नहीं किया तो आई एम टेलिंग यू कि इंग्लैंड को प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगेन वेस्ट इंडीज एज वी ऑल नो कि वो कभी क्रम्बल कर जाते हैं, वो उनकी पुरानी आदत बन गई है, वो उनमें एक पाकिस्तान वाली क्वालिटी है कि वो भी इतनी ज्यादा रिलायबल टीम नहीं है, उनका भी कुछ पता नहीं चलता, मतलब एकदम कोलैप्स होने पे आता है तो कुछ समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है। एंड जॉस बटलर आई थिंक कैन मेक द डिफरेंस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट प्लेयर, कुछ उनके बारे में कहने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, एफर्टलेस बैटिंग करते हैं, मुझे तो लगता है जब भी आते हैं परफॉर्म करने के लिए लग ही नहीं रहा होता गेंद करें, जिस लेंथ पे बॉल कर दें, जिस तरफ बॉल कर दें, ऑफ पे लेग पे, जॉस बटलर आई थिंक अबव वन लेवल। वो मुझे उनकी मिड ऑर्डर में वही क्वालिटी नजर आती है जो रोहित शर्मा या अगर हम विराट कोहली, विराट एब्सोल्युटली वही रोल नजर आता है, वो रन कर सकते हैं। इवन रॉन्की को मैं उस कैटेगरी में लाता हूं, दे आर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स के अगर फॉर्म में हैं तो ये छोड़ेंगे नहीं आपको, आप जहां मर्जी गेंद कर दें दे कैन फाइंड अ वे टू हिट द बॉल। मैं बहुत बहुत फैन हूं बटलर की, बिल्कुल बिल्कुल, अब जब उनकी फॉर्म लगी हुई है तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, वो नहीं देखेंगे कहां से बॉल आ रही है। आज हम थोड़े फैंस ओरिएंटेड होकर बात करें, मुझे पता है कि हम जर्नलिस्ट जब बात करते हैं तो हम पे कमेंट भी आ जाता है, आप तो एक एक्सपर्ट है, आप कब से गेम को फॉलो करते आ रहे हैं, मैं आपको अपने आप को आपके बिल्कुल भी करीब नहीं समझती, 13-14 साल हो गए बस, सिर्फ 14 साल हुए तो, लेकिन सबसे मजा इसलिए आता है क्योंकि हम में एक वही फैंस का एंथुसियाज्म होता है, एक पैशन है, हम वो बातें करते हैं, वी आर द लवर ऑफ द गेम, हम इस गेम को पसंद करते हैं, क्रिकेट को स्पेशली। और बटलर इज समवन, बिस्मा जिनको मैं इस कैटेगरी में लाऊंगा लास्टली, फिर हम इसको आखिर में एक वाइंड अप करते हैं कि रॉन्की और बटलर और इवन रोहित शर्मा फॉर दैट एक्सटेंड, ये जब आपके बॉलर्स की, हमारे बॉलर्स की पिटाई कर रहे होते हैं ना, जैसे जॉस बटलर ने पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाए तो मुझे गुस्सा नहीं आता था, मैंने कहा शख्स ऐसी बॉलों पे चौके मार रहा है
जो नॉर्मल बैट्समैन नहीं मार सकता, मुश्किल बॉलर्स को भी गालियां नहीं दे सकते. एग्जैक्टली वो इसीलिए मजा इसीलिए आता है. आपने बिल्कुल बड़े अच्छे तीनों को जो आपने कैटेगरी में डाला ना, रोहित शर्मा भी, उसकी बैटिंग देख के मेरा मतलब ही जोन माय मोस्ट फेवरेट बैट्समैन, उनकी बैटिंग देख के मजा इसलिए आ रहा होता है क्योंकि आपको लगता है कि यार ये तो अच्छी खासी मुश्किल बॉल को भी बीट कर रहा है, तो मतलब यू डोंट फील एब्सोल्युटली मैड एट हिम फॉर डूइंग दैट इवन व्हेन यू आर सपोर्टिंग द ऑपोजिट टीम. तो मतलब इट्स बहुत मजा आता है इस तरह की गेम देखने का, बहुत मजा आता है. क्या क्लास है बैट्समैन में, जॉर्ज बटलर इज एब्सोल्युटली अ क्लास अपार्ट. So we can definitely expect some fireworks from him. और आखिर में बिस्मा, मुझे लगता है कि जो सीरीज है वेस्ट इंडीज ने हमें भी एक लिफ्ट दिया कि ठीक है इंग्लैंड की ये वो टीम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन बहुत नई है. ऑब्वियसली बॉलिंग उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि स्टुअर्ट ब्रॉड को उन्होंने रेस्ट करवा दिया, बट आई थिंक पाकिस्तान को यहाँ से एक कहते हैं ना एक हिम्मत देनी चाहिए वेस्ट इंडीज से कि इंग्लैंड को दे आर नॉट इनविंसिबल, वो अनटचेबल नहीं है. यू कैन रियली बीट देम, यू कैन रियली गिव देम द टफ टाइम. और आई थिंक पाकिस्तान कैंप के लिए इट्स अ वेरी गुड मोरल बूस्टर. It can be if they take it as one. It can be definitely a very good morale booster for Pakistan. Daleri se khele ek baar 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 experts. Kafi saare log Pakistan ko kehte hain ki matlab dare bagair khele. Ab bahut achhi opportunity hai. Inhone kuch hamare official statements bhi BCB ki taraf se aaye the ki it's a good thing ki West Indies ki series pehle ho rahi hai. Unko thoda sa idea bhi ho jayega. जो नए रूल्स हैं उनके साथ कैसे गेम खेली जा रही है, हाउ दीज टू टीम्स आर अडैप्टिंग टू द न्यू रूल्स एंड द न्यू कंडीशंस एंड एवरीथिंग. तो उसके अलावा ऑब्वियसली एक जो टीम जिसको आप सोचते थे कि हाँ समवॉट अनटचेबल है, उसको वेस्ट इंडीज ने अच्छे खासा मतलब टफ टाइम दिया है. तो पाकिस्तान एक काम गलत कर रही है, डेफिनेटली एक काम गलत किया इंग्लैंड ने हमारे लिए. अच्छा स्टुअर्ट ब्रॉड को रेस्ट करा दिया, वो स्काई स्पोर्ट्स से बैठे हुए ना गुस्से में उन्होंने कंट्रोल किया था, उन्होंने अभी अगर उनकी बात आउटस्पोकन हो गए और उनको गुस्सा दिला दिया. वो जब अगले टेस्टों में आएंगे ना खासतौर पर जब पाकिस्तान तक उनका रिदम अगर बन गया, मुझे लगता है उन्होंने बहुत हमें तंग करना है. और ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर जेम एंडरसन, बट रफाल हमें पहले से इस चीज को मतलब इसको आप पॉइंट आउट भी मत करें, मैं यही कहूंगी क्योंकि हम अक्सर हमारे बैट्समैन ने सुन ले हमारे बैट्समैन ने सुन ले और परेशान ना हो जाए, अंडर प्रेशर पहले ही आ जाते हैं वो. तो कभी कभी ऐसे लगता है कि इस तैयारी में बैठे हैं कि हमें कोई चीज बताई जाए. मैं विस्मा इन लास्ट फिर आपका कमेंट पाकिस्तान की प्रेडिक्शन पे कर लेंगे. मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है, शान, आबिद, फिर अजहर, बाबर, असद शफीक, इवन रिजवान फॉर एक्सटेंड, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बैटिंग लाइन है फॉर टू रीजंस. एक तो ये कि आबिद अली के अलावा सबको एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का और लंबी क्रिकेट खेली है. दूसरा रन्स है इनके पास. जब आपके पास रन्स होते हैं ना कि आपने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन के 3000, बाबर के पास तो कॉन्फिडेंस बहुत है, असर ट्रिपल सेंचुरी मेकर हैं, असर शफी इंग्लैंड में पहले 100 बना चुके हैं, वो अलग और बात है. वो कभी भी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं खेले. आई थिंक वी नीड, वो जैसे आपने कहा ना, एक थोड़ी फियरलेस, थोड़ी कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ मैदान में उतरे, बिलीव इन देयर सेल्फ, दिस पाकिस्तान बैटिंग लाइन कैन स्कोर इन इंग्लैंड. I definitely feel so also. The good thing is कि हमारे पास यूनिस खान है जो हमारे बैट्समैन को सपोर्ट कर रहे हैं, हर किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. उनकी एक जो केमिस्ट्री शान मसूद के साथ है उसके बारे में तो सबको पता है, असद शफीक के साथ जो है उसके बारे में भी सबको पता है. तो आई थिंक ही विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और जैसे आपने बताया कि जिन नामों का जिक्र किया गया है, जिनका अभी आपने नाम लिए है, जिन प्लेयर्स के उनके पास टैलेंट भी है, दे हैव द कम्प्लीट all the requirements, the works basically. Talent bhi hai, experience bhi hai, thoda sa acclimatize bhi kar jayenge, runs bhi hai. To koi kami nahi hai. I think we stand, matlab fair chance hamare paas bhi hai jitna unke paas hai. Unko kisi kisam ka edge nahi hai. Hamari team bhi kafi tagdi hai, theek thaak batting line up bhi hai, aapki bowling bhi I would say ki achhi hai, sahi bowling line up bhi hai. तो बस अब जाएं अपना मतलब गिव योर बेस्ट प्ले योर नेचुरल गेम. उनके साथ जो लोग गए हैं उन पे मुझे काफी, मैं फैन हूं उन पे, मुझे काफी भरोसा है स्पेशली यूनुस भाई पे. तो लेट्स सी, होपफुली वी विल हैव गुड रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द सीरीज. यस, और आज हमने बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके इस सेशन पे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का जो है वो एक हमने एक खुलासा किया है. लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम भी इसी अप्रोच के साथ मैदान में उतरे. एंड यस, दिस इंग्लैंड टीम वेस्ट इंडीज प्रूफ not the invincible like their limited overs team. उनकी test team में problems हैं. उनका top फिर रमीज राजा कह रहे हैं, मैं भी उनकी बात से agree करूंगा कि जो बंस के अलावा बाकी players के नाम अभी ठीक से हमें याद भी नहीं हुए, तो it's indicate कि अभी वो इतने experience नहीं है. बिस्मा anyhow, thank you so much for this very fine quick chat. और मजा आया जैसन होल्डर
It's a pleasure. Team and everything. So thank you so much. Thank you so much for having me, Rafal. Thank you. और आप जिन्होंने देखा अपना feedback जरूर दीजिएगा. अच्छा बुरा जो आपका दिल करे लेकिन दीजिएगा जरूर. I will definitely appreciate this. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.